धर्मशाला में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 7 व 8 नवंबर को देश विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला को संवारने की प्रक्रिया जोरों पर है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धर्मशाला शहर को 7 जोन व 18 सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर होंगे। प्रत्येक 2 दिन सेक्टर में 1 जोन होगा जिसका प्रभारी DSP होंगे। धर्मशाला में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 7 व 8 नवंबर को देश विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला को संवारने की प्रक्रिया जोरों पर है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धर्मशाला शहर को 7 जोन व 18 सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर होंगे। प्रत्येक 2-3 सेक्टर में 1 जोन होगा जिसके प्रभारी DSP होंगे। इसके अलावा अलग से QRT की 6 टीमें होंगी। 40 मोटरसाइकिल का 1 दस्ता होगा। सभी जवानों की प्रतिनियुक्ति रिहर्सल के बाद होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में लगभग 2,200 जवानों के अतिरिक्त 300 अधिकारी भी रहेंगे ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न होने पाए। आयोजन को लेकर खम्भों की पेंटिंग लगभग अंतिम चरण में है तो खराब पड़े CCTV कैमरों को भी बदलने की प्रक्रिया तेज है। धर्मशाला शहर के चौराहों की सूरत बदलती नजर आ रही है। कल से शहर की यातायात व्यवस्था बदली हुई दिखेगी। धर्मशाला में वन वे ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है ताकि लोगों को आवागमन में किसी भी तरह की परेशानी न हो। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान नए पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए जाएंगे। CCTV कैमरे तक की मॉनिटरिंग की छानबीन की जा रही है ताकि अतिथियों के सामने किसी भी तरह की विधि व्यवस्था का संकट सामने न आने पाए। पुलिस कर्मियों को व्यवहार कुशल बनाने का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। यातायात पुलिस को जो अतिरिक्त जवान मिलने वाले हैं उन्हें अभी से ही यातायात संबंधी जानकारियां बस चौराहों से अवगत करवाया जा रहा है। सर, धर्मशाला में 7-8 नवंबर को जो इन्वेस्टर मीट होने जा रही है उसको लेकर के किस प्रकार की जो है सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है? इन्वेस्टर मीट हमारे प्रदेश का काफी बड़ा फंक्शन है जो होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री मोस्ट लाइकली इसमें शिरकत करने वाले हैं और भी बहुत सारे VVIPs और डिग्नेटरीज, विदेश से भी डिग्नेटरीज इसमें आने वाले हैं। तो हमने काफ़ी विस्तृत स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान तैयार इसके लिए किया हुआ है। लगभग 2-3 लेयर्स में जो है वो वेन्यू पे सुरक्षा रहेगी और जो भी प्रधानमंत्री जी के आने पर जो भी सुरक्षा का पैमाना रहता है उसके हिसाब से सारी तैयारियाँ की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि काफ़ी मात्रा में गाड़ियां और डेलीगेट्स इस इन्वेस्टर मीट के लिए आने वाले हैं तो हमने मैक्लोडगंज, सिद्धपुर, शीला, कांगड़ा, मटौर, गगल चारों तरफ के इलाके के लिए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी काफ़ी संख्या में हम लोग ट्रैफिक के जवानों को तैनात करेंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे और आम जनता को भी और बाहर से आने वाले डेलीगेट्स को भी किसी तरह की परेशानी न हो। सर, कितने जोन में जो है धर्मशाला शहर को जोन और सेक्टर में डिवाइड किए गए? इसमें मैं आपको स्पेसिफिक तो कुछ नहीं बता सकता बट डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट्स हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रैफिक प्लान हमने तैयार किया है, उसको भिन्न भिन्न सेक्टर्स में बांटा हुआ है सभी एरियाज़ को और सिक्योरिटीज के हिसाब से भी जहाँ जहाँ कहीं प्रधानमंत्री आएंगे और वेन्यू की सुरक्षा रहेगी उनमें अलग अलग सेक्टर्स में जो है जवानों की तैनाती होगी। तो स्पेसिफिक नंबर मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊंगा। सर, जवानों के अतिरिक्त QRT की टीमें भी मौजूद रहेंगी? हाँ जी, सारी तरह की व्यवस्था, सारे सुरक्षा प्रबंध जो हैं, जो भी स्टैंडर्ड PM प्राइम मिनिस्टर विजिट पे होते हैं वो सभी होंगे। धर्मशाला के लिए सर वन वे ट्रैफिक प्लान रहेगा, कुछ ऐसी प्लानिंग है सर? वन वे ट्रैफिक प्लान जो हमने पहले शुरू किया था और व्यापारियों के और त्योहारों का सीजन देखते हुए हमने उसको निरस्त किया था कुछ समय के लिए, उसको कल से यानी 1 नवंबर से हम लोग फिर से लागू करने जा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।